Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And nowadays I am discussing the topics of philosophy, educational philosophy, in which today I am going to discuss a very important topic, that is naturalism, matlab prakrutiwa. As usual, the lecture will be in bilingual mode and it will be useful to you all, certainly. So, let's start. First of all, naturalism, prakritivad, hai na? Ye wo darshan hai jo bahut poocha jata hai, bahut interesting bhi hai, bahut rochak lagega aapko, aur iska education pe bahut emphasis hai, bahut prabhav pada hai teaching method pe, tarike pe padhne padhane ke naturalism ka. So, naturalism as a philosophy of education was developed in the 18th century. मतलब 18वीं शताब्दी में ये naturalism एक philosophy of education के रूप में विकसित हुआ. It is based on the assumption that nature represents the wholeness of reality. जैसा कि नाम है इसका naturalism, मतलब सब कुछ ये nature पे based है. प्रकृति ही सब कुछ है इस दर्शन के हिसाब से. तो ये किस मान्यता पर आधारित है? ये इस मान्यता पर आधारित है कि प्रकृति जो है वो रियलिटी की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है. मतलब कहने का क्या है कि प्रकृति ही संपूर्ण रियलिटी है. नेचर इटसेल्फ इज अ टोटल सिस्टम दैट कंटेन्स एंड एक्सप्लेन्स ऑल एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन नेचर. कह रहा है कि जो प्रकृति है वो अपने आप में एक संपूर्ण निकाय है जिसके अंतर्गत मनुष्य, मनुष्य की प्रकृति और सब कुछ निहित है. मतलब जो सार्वभौमिक सत्ता है वो किसकी है? वो प्रकृति की है. नेचुरलिज्म डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर सच एज सुपरनेचुरलिज्म. वो कह रहा है कि जो ये प्रकृति बात है, ये ऐसा दर्शन है कि ये प्रकृति के बियॉन्ड, प्रकृति से परे किसी भी चीज के अस्तित्व को नकारता है ना. मतलब कि प्रकृति के परे कुछ भी नहीं है, इसीलिए सुपर नेचुरल पावर और गॉड के एग्जिस्टेंस को भी जो नेचुरलिस्ट हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं. Naturalism is a doctrine which separates nature from God. ये जो है प्रकृति से ईश्वर को अलग करता है. According में डबल सी होना चाहिए. According to naturalism, only nature is everything, nothing is before and beyond it. मतलब कि प्रकृतिवाद के हिसाब से प्रकृति ही सब कुछ है और इसके पहले, इसके आगे, इसके पीछे कुछ भी नहीं है. यानी कि प्रकृति ही सब कुछ है. ठीक, पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है नेचुरलिज्म का वो क्या है कि नेचर इज एवरीथिंग, नेचर इज ए टोटल सिस्टम, नेचर के अंतर्गत ही सब कुछ निहित है. ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं. तो हमने, चूंकि आपसे फिलोसफी पे बेसिक बात हो गई है, तो पता है कि फिलोसफी, हमको कोई भी फिलोसफी समझनी है तो हमको उसका एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेटाफिजिक्स जानना होगा, है ना. तो नेचुरलिज्म के हिसाब से एपिस्टेमोलॉजी क्या है? मतलब कि प्रकृतिवाद के लिए ज्ञान क्या है, प्रकृतिवाद किसको ज्ञान मानता है. इन टर्म्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी और थियोरी ऑफ नॉलेज, नेचुरलिस्ट हाईलाइट द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. यानी कि जो प्रकृतिवादी हैं वो वैज्ञानिक ज्ञान को महत्ता देते हैं. फ्रांसिस बेकन एम्फेसाइजेस द इंडक्टिव मेथड फॉर एक्वायरिंग द साइंटिफिक नॉलेज थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, एक्यूमुलेशन एंड जनरलाइजेशन. जो एक महान दार्शनिक हुए हैं फ्रांसिस बेकन, जो कि नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इंडक्टिव मेथड, जो आगमन विधि होती है, उसको इन्होंने कहा कि ये जो है ये यूज की जानी चाहिए. इसको इन्होंने एम्फेसाइज किया, इस पे इसके महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि साइंटिफिक नॉलेज को हम विशिष्ट प्रेक्षण से, एक्यूमुलेशन से, जनरलाइजेशन से प्राप्त कर सकते हैं. मतलब कि साइंस और साइंटिफिक नॉलेज को प्रधानता देते हैं नेचुरलिस्ट. इसके अलावा he also lays emphasis on the empirical and experimental knowledge. यानी कि आपको ये भी पता है कि साइंस से ही एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज रिलेटेड है. तो ये जो empirical है, जिसको हम आप अनुभूत कर सकते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों से, उसको और एक्सपेरिमेंटल नॉलेज पर भी emphasis दी गई. मतलब कहने का क्या है कि प्रकृतिवादी साइंस, एक्सपेरिमेंट और साइंटिफिक नॉलेज पर emphasis करते हैं. नेचुरलिस्ट also lays स्ट्रेस ऑन सेंसरी ट्रेनिंग एंड senses are the gateways to learning. ये लाइन कई बार आएगी कि सेंसेस जो है वो गेटवे है लर्निंग के. मतलब जितनी, मतलब गेटवे का मतलब क्या है? फाटक. फाटक मतलब दरवाजा. मतलब अधिगम इसी के थ्रू हो रहा है. किसके थ्रू हो रहा है? सेंसेस के थ्रू हो रहा है. इसलिए सेंसरी ट्रेनिंग को भी जो नेचुरलिस्ट है वो बहुत एम्फेसिस करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, उस पर कहते हैं उस पर जोर दिया जाना चाहिए. और वैल्यूज क्या है नेचुरलिस्ट के हिसाब से, जो प्रकृतिवादी है वो किस मूल्य क्या है उनके लिए? तो वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो एनवायरमेंट इंटरेक्शन हो रहा है उसी से मूल्य
निर्धारित होते हैं, उसी से मूल्य उत्पन्न होते हैं। मूल्य और कुछ नहीं है, हमारा वातावरण के संग अंतर संबंध है, मूल्य वहीं से निकलते हैं। इंस्टिंक्ट ड्राइव्स एंड इंपल्सेस नीड टू बी एक्सप्रेस्ड रादर देन रिप्रेस्ड। ये कहते हैं कि हमारी जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारे जो आवेग हैं, उनको एक्सप्रेस होने देना चाहिए, ना कि उसको दबाना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये नेचुरलिस्ट कह रहे हैं, ये प्रकृतिवादी कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देम देयर इज नो एब्सोल्यूट गुड और इविल इन गॉड। और इनके हिसाब से इथिक्स क्या है? देखिए, सबकी बात हो गई ना, मूल्य की बात हो गई, आपके तत्व की बात हो गई, ज्ञान की बात हो गई। इसका मतलब थ्योरी का, इस फिलोसफी का थ्योरेटिकल रैशनल है। ये कह रहे हैं कि कुछ भी एब्सोल्यूट गुड या इविल नहीं है संसार में, कि जिसको सब बुरा कहें या सब अच्छा कहें। वो कहते हैं कि वो क्या है, हमारी आवश्यकता के हिसाब से तय होता है। वैल्यूज ऑफ लाइफ आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन नीड, यानी कि मनुष्य की आवश्यकता के हिसाब से हमारा मूल्य निर्धारित होता है जीवन का। और कौन से महान प्रकृतिवादी हुए हैं, तो सबको पता है, आप सब जानते होंगे कि रूसो साहब का सबसे बड़ा नाम है नेचुरलिस्ट के रूप में। द ग्रेट नेम्स एसोसिएटेड विद नेचुरलिज्म आर जियान जैक्स रूसो, पेस्टलोजी, हर्बर्ट स्पेंसर एंड रवीन्द्रनाथ टैगोर जी, है ना। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी बहुत नेचुरलिज्म पे बात की है। तो ऑन एजुकेशन, शिक्षा पे क्या कहता है प्रकृतिवाद? नेचुरलिज्म एज अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हैज एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के सिद्धांत पे, शिक्षा के प्रायोगिक पक्ष पे नेचुरलिज्म का बहुत प्रभाव रहा। डिक्राइज ऑल एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट एंड इट कंडेम्स ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज। ये कह रहा है जो नेचुरलिज्म, वो कहता है कि किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो, किसी भी प्रकार की आप फॉर्मेलिटी में मत फंसिए शिक्षा में। इन द नेचुरलिस्टिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन देयर इज नो प्लेस फॉर क्लासरूम्स, टेक्स्ट बुक्स, टाइम टेबल, करिकुलम, फॉर्मलिज्म फॉर एग्जामिनेशन। वो कह रहे हैं अगर आप प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से पढ़ाना चाहते हैं, प्रकृतिवादी दर्शन के हिसाब से अपनी शिक्षा व्यवस्था को बनाना चाहते हैं, तो कोई कक्षा कक्ष की जरूरत नहीं है, पुस्तकों की जरूरत नहीं है, टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, आपको किसी पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं है, किसी फॉर्मल लेसन या एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि आप किसी फॉर्मेलिटी में मत बनिए। द टीचर हैज टू प्ले द रोल ऑफ एक्वेंटिंग चिल्ड्रन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। और शिक्षक का रोल क्या होगा कि बालक को उसके जो उसका प्राकृतिक वातावरण है उससे हम एक साथ करा दें, यही हमारा रोल है। एक्सटर्नल डिसिप्लिन इज ऑल टुगेदर आउट ऑफ प्लेस। कोई इस तरीके का डिसिप्लिन नहीं है कि क्लास से बाहर निकाल दिया जाओगे एग्जाम में, मतलब कुछ भी इस तरीके का सजा मिलेगी, कोई सजा का कोई इस तरीके का अनुशासन कि हम बाहर से कुछ आपके ऊपर इम्पोज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दी ओनली डिसिप्लिन इज द डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज। ये बार बार बहुत इस पर शॉर्ट नोट्स भी पूछते हैं कि डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज का क्या मतलब है, यानी कि प्राकृतिक परिणामों से आपको अनुशासित किया जाए। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो बार बार कोट किया जाता है कि आप बच्चे को मना कर रहे हैं कि माचिस से मत खेलो, माचिस से मत खेलो, आग से मत खेलो, है ना। बार बार मना करते हैं, वो मानता नहीं है, उसे उत्कंठा जागती है कि नहीं करके देखे, और जब एक बार उसका हाथ छू जाता है, जल जाता है, तो वो फिर कभी उसको नहीं छूता है, या बहुत दिन तक नहीं छूता है, या एहतियात बरत कर छूता है। समझ में आ रही बात? मतलब कि जो वो कह रहे हैं कि डिसिप्लिन, आप उसको करने दीजिए वो काम, और जब उसका परिणाम उसको मिलेगा तो वो अपने आप अनुशासित हो जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसको आप हमेशा डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता बच्चे को, लेकिन फिर भी नेचुरलिज्म ये मानता है। नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट फॉर्मल एजुकेशन इज द इन्वेंशन ऑफ सोसाइटी व्हिच इज आर्टिफिशियल। जो प्रकृतिवादी है वो ये मानते हैं कि जो फॉर्मल एजुकेशन का तरीका है वो चूंकि सोसाइटी ने इन्वेंट किया है, वो आर्टिफिशियल है और वो नहीं होना चाहिए। गुड एजुकेशन कैन बी पॉसिबल ओनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद नेचर। वो कह रहे हैं अच्छी शिक्षा आपको तभी दी जा सकती है, तभी मिल सकती है, जब आप प्रकृति के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे नेचुरलिज्म क्या कहता है, मतलब शिक्षा का संगठन किस तरीके से होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि नेचुरलिज्म अटैचेस लेस इंपॉर्टेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मल स्कूल, ये बात हो गई, एंड टेक्स्ट बुक बिकॉज इट हिंडर्स द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं फॉर्मल स्कूलिंग और टेक्स्ट बुक से बच्चे को दूर रखिए, क्योंकि वो उसके प्राकृतिक विकास को रोकता है। जैसे कि रूसो, चूंकि हम रूसो पे एक बार बात कर चुके हैं, अगर आपको याद हो या फिर से सुन लीजिए वो वीडियो, तो चूंकि रूसो नेचुरलिस्ट हैं, तो उनकी सारी जो सेइंग्स हैं वो नेचुरलिज्म के हिसाब से ही हैं। तो जैसा कि रूसो ने कहा कि एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ऑथर ऑफ नेचर, बट एवरीथिंग डीजनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। वो कह रहे हैं कि हर चीज जो हमको प्रकृति के से मिलती है वो हमको वो अच्छी होती है, और हर चीज जो मनुष्य के हाथ में जाती है वो खराब हो जाती है। कहने का मतलब कि प्रकृति के जितने आप ज्यादा सामीप्य में रहेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। अकॉर्डिंग टू हिम नेचर इज द ओनली प्योर क्लीन एंड इनोबलिंग इन्फ्लुएंस। कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वही हमको शुद्ध स्वच्छ प्रभाव हम पर डालती है। ह्यूमन सोसाइटी इज थॉरली करप्ट। देखिए कब बात हो रही है, उनको तभी पता चल गया था कि मनुष्य का समाज जो है वो भ्रष्ट है ना। आज के जमाने में होते रूस तो क्या कहते,
देयरफॉर मैन शुड बी फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सोसाइटी। कह रहे हैं कि चूंकि जो सोसाइटी है वो करप्ट है, इसलिए व्यक्ति को आप सोसाइटी के बंधन में मत बांधिए, एंड यू शुड बी इनेबल टू लिव इन द स्टेट ऑफ नेचर। उसको प्राकृतिक दशा में रहने दीजिए, प्रकृति के पास रहने दीजिए। ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली गुड एंड इट मस्ट बी गिवन फुलेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री डेवलपमेंट इन ए फ्री एटमोसफेयर। वो कह रहे हैं मनुष्य का नेचर अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो सोसाइटी के सामीप्य में आता है तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उसको फ्री नेचर के संग छोड़ दीजिए। The school to the naturalist in no way different from the home. ये कह रहे हैं जो naturalist हैं, जो प्रकृतिवादी हैं, जो प्रकृतिवाद को मानते हैं, वो कहते हैं कि जो विद्यालय है वो बिल्कुल घर जैसा होना चाहिए। जैसा कि फ्रोबेल ने नाम दिया किंडरगार्टन, यानी कि बच्चों का बाग, है ना। अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं, देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम। ये भी यही बात कह रहे हैं कि बच्चे के घर और विद्यालय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल घर जैसा विद्यालय का माहौल हो। टैगोर ऑल्सो बिलीव्स दैट एजुकेशन गिवन इन नेचुरल सराउंडिंग्स डेवलप्स इंटीमेसी विद द वर्ल्ड। टैगोर साहब यही कहते हैं कि उसको नेचुरल सराउंडिंग में पढ़ाइए। नेचर टू हिम इज द फोकस वेयर द इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मीट। वो कह रहे हैं कि प्रकृति उसके लिए क्या है, वो वैसी जगह है जहाँ पे उसकी आकांक्षाएं और उसकी रुचियां सब मिलती हैं। इट इज देयरफॉर एसेंशियल नॉट ओनली टू नो नेचर बट टू लिव इन नेचर। इसलिए प्रकृति को सिर्फ जानना जरूरी नहीं है बल्कि प्रकृति में रहना जरूरी है। ठीक, और क्या कह रहे हैं, नेचुरलिज्म आल्सो बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्हिच मींस दैट एवरी चाइल्ड हैज अ यूनिक कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड आल्सो द पेस ऑफ लर्निंग इज यूनिक। यानी कि जो प्रकृतिवादी है वो बच्चों के बीच के वैयक्तिक अंतर के सिद्धांत को भी मानते हैं, और ये मानते हैं कि हर बच्चे में अपनी विशिष्ट क्षमता है और वो अपने हिसाब से, अपनी विशिष्ट गति के हिसाब से ही सीख सकता है। सो द स्कूल शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर पर्सनल डाइवर्सिटी एंड शुड केटर टू द वेरीड एंड डिफरेंट इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड। इसलिए कह रहे हैं कि जो विद्यालय हो वो बच्चे की जो विभिन्नता है, जो बच्चे की विशिष्टता है, उसका सम्मान करे और उसको उस हिसाब से, उसकी विभिन्न रुचियों के हिसाब से उसको डील करे। Naturalism advocates such methods of teaching which offer the child in an opportunity for self-education, self-expression, creative activity and integrated growth in an atmosphere of unrestrained freedom. वो कह रहे हैं कि जो प्रकृतिवादी हैं वो उन शिक्षण विधियों की अधिवक्ता करते हैं, उनका उन पर बल देते हैं कि ये करना चाहिए किन पर, जिससे वो स्वयं अपनी शिक्षा दीक्षा कर सके, वो स्वयं को अभिव्यक्त कर सके, वो कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी कर सके, और उसके ऊपर कोई भी प्रकार का आप उसकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण मत करिए, उसको रोकिए मत, है ना। करिकुलम क्या होना चाहिए प्रकृतिवादियों के हिसाब से, वो कह रहे हैं स्टडी ऑफ साइंसेस डीलिंग विद नेचर, यानी कि वो सब विज्ञान जो प्रकृति से डील करते हैं उनको पढ़ाइए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, है ना। दे आल्सो गिव इंपॉर्टेंस टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, और भाषा और गणित के शिक्षण पर भी बल दिया, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म को नकारा है क्योंकि वो सुपरनेचुरल किसी कार को मानते नहीं। लेकिन रवींद्र नारायण टैगोर, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड किया है बिकॉज वो चाहते हैं कि जो व्यक्ति का, जो बच्चे का पूरा विकास हो, हार्मोनियस डेवलपमेंट हो, संपूर्ण विकास में स्पिरिचुअलिज्म भी आना चाहिए। वैसे नेचुरलिस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिज्म को नहीं स्थान देते करिकुलम में। रूसो ने क्या कहा है, नेगेटिव एजुकेशन की बात की है। रूसो जब डिस्कस करी थी तब भी आपसे बताया था कि नेगेटिव एजुकेशन का मतलब है कि हम उसको सोसाइटी से दूर करें। वो कह रहे हैं ना बैक टू द नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटो। ये कहते हैं कि He defines negative education as one that tends to perfect the organs that are the instruments of knowledge before giving them this knowledge directly. वो कह रहे हैं ना कि senses are the gateways of learning. यानी कि व्यक्ति की जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनको, जो instrument of knowledge है उनको आप perfect बनाइए, वो अपने आप सीख जाएगा। The child should be left free to develop his body and senses. और वो कह रहे हैं बच्चे को free छोड़ो ताकि उसके व्यक्ति का, उसके शरीर का, उसके senses का विकास हो सके। He attaches great importance to sensory training. ये बात हो गई। For naturalists, genuine education is based on the laws of readiness and needs of the human being. हम जानते हैं ना कि learning के laws है, उसमें laws of readiness होता है, यानी कि तत्परता का नियम। वो कह रहे हैं कि बच्चा जब तत्पर है, जब ready है सीखने के लिए, तभी वो सीख पाएगा, तभी उसको सिखाओ, उस पर unnecessary जबरदस्ती मत सिखाओ। According to them, child's nature, interests and needs provide the basis of curriculum. और वो कह रहे हैं व्यक्ति जो बालक है उसकी प्रकृति, उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता तय करेगा कि पाठ्यक्रम का आधार क्या होगा। Methods of teaching naturalists के हिसाब से learning by doing, करके सीखना, अनुभव से सीखना, खेल के सीखना, और बहुत सारे methods of teaching naturalism के बाद उसके मतलब प्रभाव से आए प्रकाश में, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रेक्षण करके सीखना, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोग करके सीखना, खेल के सीखना, ह्यूरिस्टिक मेथड, खुद खोज के सीखना, डॉल्टन मेथड। डॉल्टन मेथड बहुत बढ़िया मेथड है। वो कहता है कि
जैसे कि हम पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं कि हमने 45 मिनट का एक पीरियड लगाया और बच्चा एकदम उस क्लास में एकदम रम गया है, उसका एकदम मन करने लगा है पढ़ने का, तब तक घंटी बज जाती है और उसको दूसरी क्लास में जाना होता है। तो क्या ये संभव है कि जैसे ही घंटी लगी और हमने कॉपी बंद की और दूसरी कॉपी खोली तो हम तुरंत स्विच ओवर हो गए उस नए सब्जेक्ट पे? ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं अपनी स्कूलिंग में। डाल्टन मेथड कहता है कि बच्चा उस सब्जेक्ट को तब तक पढ़े जब तक उसका टास्क खत्म ना हो जाए, फिर जब वो टास्क खत्म हो जाए फिर दूसरे पे जाए। मतलब ये एक इनोवेटिव मेथड है। हम जानते हैं कि बहुत बड़ी भारतवर्ष जैसी जनसंख्या में इसको लागू कर पाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट। और मॉन्टेसरी मेथड आप जानते हैं, खेल कूद के सीखना, ठीक है। फिर रोल ऑफ द टीचर, शिक्षक कैसा होगा प्रकृतिवाद के अनुसार? अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट, द टीचर इज द ऑब्जर्वर एंड फैसिलिटेटर ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट रादर देन ए गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, आइडियल्स एंड विल पावर और ए मोल्डर ऑफ कैरेक्टर। वो कह रहे हैं कि शिक्षक का रोल सिर्फ यहाँ प्रेक्षणकर्ता का है और फैसिलिटेट करने का है बच्चे को, ना कि आपको उसको सूचना देनी है, विचार देना है, आदर्श देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इन द वर्ड्स ऑफ रॉस, टीचर इन ए नेचुरलिस्टिक सेटअप इज ओनली ए सेटर ऑफ द स्टेज, अ सप्लायर ऑफ मटेरियल्स एंड अपॉर्चुनिटीज, अ प्रोवाइडर ऑफ एन आइडियल एनवायरनमेंट, अ क्रिएटर ऑफ कंडीशंस अंडर व्हिच नेचुरल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। टीचर इज ओनली ए नॉन इंटरफेरिंग ऑब्जर्वर। वो कह रहे हैं कि प्रकृतिवादी जो सेटअप है उसमें जो शिक्षक है उसका रोल है कि आपको सिर्फ स्टेज सजाना है, आपको सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करना है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है बच्चे को, उसको एक आइडियल एनवायरनमेंट देना है, ऐसी दशाएं क्रिएट करनी है जिससे कि उसका नेचुरल डेवलपमेंट हो सके, आपको कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। फॉर रूसो द टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए पर्सन हु इज कम्प्लीटली इन ट्यून विद द नेचर। रूसो कहते हैं कि शिक्षक ऐसा हो जो बिल्कुल प्रकृति के सामंजस्य में हो। He has a profound faith in the original goodness of human nature. देखिए, नेचर की तो प्रधानता है, ह्यूमन नेचर की भी प्रधानता है नेचुरलिज्म में। वो कह रहा है कि ह्यूमन नेचर की गुडनेस को वो समझे। He believes that human beings have their own timetable for learning, है ना? So Rousseau in his dialectic novel Emile organized education according to Emile's stages of development. मतलब कि बच्चा, वो कह रहा है ना, बच्चा जब रेडी हो तब सीखेगा, उसका अपना टाइम टेबल है सीखने का, आप उस पर जोर जबरदस्ती मत करिए कि सीखो सीखो सीखो, सीख जाएगा अपने हिसाब से। Significantly, the teacher who is aware of human nature and its stages of growth and development does not force Emil to learn, but rather encourages learning by stimulating him to explore and to grow by his interactions with the environment. वो कह रहे हैं आप उस पे फोर्स मत कीजिए सीखने के लिए, बल्कि वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन में अपनी रेडीनेस के हिसाब से, अपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से खुद सीख जाए। और मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेरिट्स बहुत सारी हैं, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम पेम फेसेस, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, ऑपोजिशन टू रिप्रेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए बहुत काम किया नेचुरलिज्म ने, बहुत सारे हमको मेथड्स बताए, हमको कहा कि एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए, बहुत कुछ सिखाया, बच्चे को इंटरफेयर मत करो, बच्चे को अपने हिसाब से करने दो। लेकिन डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि बच्चों को आप इतनी स्वतंत्रता नहीं दे सकते, इंडिविजुअल डिफरेंस है, बच्चे बहुत उद्दंड उश्रृंखल हो जाएंगे, है ना, और बहुत कुछ वो गलत कर सकते हैं। डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के संग उनके संग अप्रिय घटनाएं हो सकती है, कुछ दुर्घटना हो सकती है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप उसको कब तक स्वतंत्रता की भी, कहीं कहीं तो आपको डिलिमिट करना होगा ना। लेस इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स पे कम महत्ता है और मोर इम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द चाइल्ड। देखिए, नेचुरलिज्म कहीं फ्यूचर की तैयारी के लिए बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है जो आपकी आवश्यकता है, जो अभी तात्कालिक आवश्यकता है, सिर्फ उसकी बात करता है। तो ये कुछ डिमेरिट्स है, फिर भी ओवरऑल नेचुरलिज्म एक रिवोल्यूशनरी, यू कैन से कि आइडियलिस्ट रिवोल्यूशनरी फिलोसफी है, और एजुकेशन पे इसका बहुत एम्फेसिस है, बहुत इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से इन शॉर्ट, वैसे तो बहुत बड़ी थ्योरी, आप चाहें तो उसमें फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म भी बहुत निकल के आते हैं, पर जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने कम समय में इतना आपको बताया जा सकता है कि ये प्रकृतिवाद है। आप जिस समझ लीजिए उसके बाद आप समझते रहिए उसको, और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए, ठीक है। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव टाइम, ओके।